अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सालिया डिज़ाइनर। आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको ओपन स्टाइल वाली कुर्ती के साथ कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। इसमें हमने दो तरह की स्ट्रिप्स लगानी है। ये एक हमारी शर्ट में एक साइड पर बॉर्डर दिया गया था, इसकी स्ट्रिप होगी और दूसरी स्ट्रिप हम प्लेन लगाएंगे। और इसके बाद आप ये देखें, इस स्ट्रिप की जो हमने चौड़ाई रखी है वो 3 इंच है। थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, ये आपको नज़र आ रहा है। आप 2.5 इंच पर इसकी कट करें इसे। और ये जो बुकरम की स्ट्रिप है ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम है, यानी कि 0.25 इंच है। 1/2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए आपने फिर बुकरम की स्ट्रिप को प्रेस करना है। इसके बाद फोल्ड करते हुए हमने कुर्ती पर लगाना है। ये मैं आपको लगाते हुए बताऊँगी कि कैसे इसे लगाना है। इसके बाद आप ये देखें, जब हम कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करते हैं या बैन वाली, तो हमें थोड़ा सा तीरे का साइज़ एक्स्ट्रा रखना होता है। अब जो हमारी नॉर्मल कमीज़ है उसके तीरे का साइज़ 7 इंच है, यानी कि 14 इंच है। और कॉलर या बैन वाली कुर्ती के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो ये देखें, हमने 8 इंच पर इसके तीरे की कटिंग की है। तो आप भी इसी तरह 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए तीरे की कटिंग करें। इसके बाद गले की चौड़ाई के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और गले की डीप लेंथ के लिए हम 3.5 यानी के 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हल्का सा राउंड वी शेप देंगे, बहुत ज़्यादा गहराई वाला राउंड नहीं करना। इसके बाद बैक पार्ट को हटाते हुए हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से इंची टेप को 1 इंच के गैप से रखते हुए एक निशान लगाएंगे। ऊपर से इंची टेप को गले के बिल्कुल बराबर में रखते हुए 8.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे वी शेप में, और इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग हल्की सी हम आगे की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि शर्ट हमने ओपन स्टाइल में तैयार करनी है। सेंटर को भी हम सेपरेट कर लेंगे। रिवर्स राइट साइड पर हमने ये बॉर्डर वाली स्ट्रिप अटैच करनी है, लेफ्ट साइड पर हमारी प्लेन स्ट्रिप तैयार होगी। अब इस स्ट्रिप को फोल्ड करने का तरीका ये है, पहले हमने 1/2 इंच मार्जिन फोल्ड कर लिया है, फिर इसे सीधी पट्टी को रखा है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इस तरह से ऊपर की तरफ पलटते हुए इसे प्रेस कर लेना है। ये ऊपर रखते हुए प्रेस करने का फ़ायदा ये है, जब हम ये देखें इसे कपड़े को अंदर की तरफ डालेंगे तो ऑलरेडी जब हम सिलाई करेंगे तो एक ही स्टिचिंग में नीचे वाला कपड़ा भी स्टिच हो जाएगा। व्यूअर्स, ये मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ। इतना ही मार्जिन रखते हुए हमने इसके ऊपर स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है। 1 इंच इसे एक्स्ट्रा रखेंगे, स्ट्रिप को बढ़ा के रखना है। ये देखें, नीचे वाला कपड़ा फोल्डेड है। ऊपर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम मार्जिन रखते हुए हमने इस स्ट्रिप को इसके साथ अटैच कर लेना है। अब आप नीचे की तरफ से देखें, एक ही सिलाई में हमारा बहुत ही नीट ये स्ट्रिप की सिलाई आ रही है। अब सिलाई को यहाँ से टर्न करते हुए लेकर आएंगे। हमने 8 इंच के गैप से तकरीबन चाक तैयार करना है, तो ये निशान लगा लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर हम अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। दूसरी साइड से प्लेन स्ट्रिप भी हम सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, हमने ये स्ट्रिप लगा ली है और इसके किनारे की सिलाई भी हमने फुल एंड तक लगा ली है। और 8.5 इंच के गैप से ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, हमने गले के लिए लगाया था तो इस स्ट्रिप पर भी लगा लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसे हम गले के हिसाब से शेप देंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने शोल्डर की सिलाई लगानी है। बैक पार्ट को सीधा रखते हुए इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रख लिया है। अब हमने बैक गले की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमने कमीज़ को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन रखा है। बैक साइड के गले की कटिंग के लिए यहाँ से निशान लगाते हुए अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इन दोनों स्ट्रिप्स को बराबर करते हुए सेंटर में कट लगाएंगे और फिर कॉलर का साइज़ करेंगे। इंची टेप को मशीन में फंसा लेंगे, इन दोनों स्ट्रिप्स को बराबर रखते हुए इस तरह से साइज़ करेंगे। 7 इंच और 2 पॉइंट इसका साइज़ है, यानी कि 7.5 इंच। तो बुकरम को हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड वाले हिस्से से 3 इंच के गैप से निशान लगाएंगे, जैसा कि हमने गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच के गैप से निशान लगाया था। और इस निशान की जो लंबाई है यानी कि लेंथ है वो हम 1 इंच रखेंगे।
ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह आप कॉलर की कटिंग करें इजीली, आप अगर नए सीखने वाले भी हैं तो इजीली कटिंग कर सकेंगे। अब जितने हमारे कॉलर की लेंथ थी 7 इंच और 2 पॉइंट पर हम निशान लगा लेंगे। अब इंची टेप को नीचे की साइड रखते हुए 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ से। अगर आप पेपर पट्टी की लेंथ देखना चाह रहे हैं तो ये देखें 4.5 इंच है। यहाँ से इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स जैसे ही हमने ये निशान लगाया था 3 इंच के गैप से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाना है। व्यूअर्स यहाँ से हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए हमने कॉलर की कटिंग करनी है। अब एंड से चाहें तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जैसा कि हमारा निशान लगा हुआ है ऐसे ही रखें, चाहें तो हल्की सी यहाँ पर आप शेप भी दे सकते हैं। इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग और स्टिचिंग की बेहतरीन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए आल पर क्लिक करें, इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ये देखें इसकी लेंथ 3.5 इंच है। व्यूअर्स अब यहाँ से हमने 2 पॉइंट के गैप से निशान लगाना है, हल्का सा इस तरह शेप देते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी पर हमने कटिंग कर लेनी है। जब हम कॉलर को फोल्ड करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त शेप आती है अगर आप इसी तरह की कटिंग करेंगे। अब हमने इस तरह से कॉलर की शेप देनी है, ये देखें, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने डबल फैब्रिक को बिछाया हुआ है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। अब जो पेपर पट्टी वाला हिस्सा है इस हिस्से को यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, नीचे वाले हिस्से को फोल्ड नहीं करना। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले हिस्से को उठाते हुए यहाँ पर 1 पाँव के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब जो नीचे वाला फैब्रिक था उसी के ऊपर हम ये रखेंगे। यहाँ से 1 टांके का गैप छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी बुकरम के बिल्कुल पास आनी चाहिए। ये 1 टांके का गैप छोड़ते हुए सिलाई स्टार्ट की है। मशीन को ऊपर की तरफ पाँव को उठा लेना है और इस कॉर्नर में धागे को फंसा लेना है। ये देखें दोनों फैब्रिक के बीच में हमने इस धागे को फंसाया है। 2 टांके आगे की तरफ करते हुए चेक करेंगे, धागा हमारा अंदर की तरफ फंस चुका है। अब इस धागे को हम इस तरह कॉलर में अंदर की तरफ डाल लेंगे। विवाज इस तरह करने से कॉर्नर बहुत ही ज़बरदस्त निकलते हैं, तो आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा। धागे की हेल्प से आपने इसके कॉर्नर निकालने हैं। ये देखें फिर से हम मशीन के फुट को ऊपर कर लेंगे और सुई को अंदर ठहराते हुए इस तरह से हमने धागे को अंदर की तरफ डालना है और चेक करना है कि धागा हमारा अंदर की तरफ फंस चुका है या नहीं। अगर नहीं फंसा तो हम दूसरी बार में इसे फंसा लेंगे, कॉर्नर से कट करेंगे, सेंटर में भी हल्के हल्के तिरछे कट लगाएंगे। अब कॉर्नर को फिंगर की हेल्प से दबाएंगे और इसे पलट लेंगे। इसके बाद ये देखें धागे को खींचते हुए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूअर्स अब हमने इन दोनों सिरों को आपस में मिला लेना है और सेंटर में कट लगाना है सेंटर पॉइंट के लिए। व्यूअर्स ये जो हमने 1 टांके का गैप छोड़ा था ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। अब हमने कुर्ती पर कॉलर को अटैच करना है। जो टांके का गैप छोड़ा था यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। 1 टांका अंदर की तरफ करते हुए हमने सिलाई लगानी है और यहाँ से भी सेम मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और सिलाई लगा लेनी है। देख रहे हैं कुर्ती को हमने सीधी साइड रखा हुआ है और कॉलर की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, यानी जो पेपर पट्टी वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है। शोल्डर वाले हिस्से से अंदर की तरफ हम इस तरह खोलते हुए ये सिलाई लगाएंगे। कॉलर के सेंटर और कुर्ती के सेंटर को आपस में मिलाते हुए यहाँ से हमने स्टिच करना है। रिवर्स अब हमने आगे से भी इस कॉलर को यहाँ पर कंप्लीट करना है। ये देखें खींचना नहीं है दोनों कपड़ों को और बिल्कुल स्टिप के बराबर में रखते हुए हमने यहाँ से अपनी सिलाई को एंड करते हुए पक्का करना है।
बस ये सिलाई का एंड हो चुका है। अब यहाँ से जो सिलाई का मार्जिन था अंदर की तरफ दबाव में डालते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही नीट तरीके से हमारा ये कॉलर लग रहा है। आप भी इसी तरीके को फॉलो करें और कॉलर लगाएं। ये देखें, अब यहाँ से भी आप चाहें तो किनारे की सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ से सिलाई ख़त्म करने के बाद हम ये धागे को निकालेंगे। ये देखें, अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह सिलाई लगाने के बाद धागे को निकाल लेंगे। यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारे ये कॉलर की शेप आएगी। अब हमने ओपन स्टाइल वाले हिस्से को आपस में अटैच करना है। जहाँ पर हमारा निशान था उसी के साथ सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। 8.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया है उससे 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। यहाँ से स्टिप को बिल्कुल बराबर करना है और इन दोनों स्टिप्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर से भी चेक कर लेंगे क्या ये हमारी पट्टी बिल्कुल बराबर है। अब हमने इन दोनों स्टिप्स को आपस में अटैच करते हुए, ये देखें जो ब्लू स्टिप नीचे से नज़र आ रही है बिल्कुल उसी के किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। कुर्ती के हिस्से पर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए। व्यूअर्स, ये सिलाई लगाते हुए कुर्ती को हमने रेडी कर लिया है। बैक साइड से भी देखें, बहुत ही नीट तरीके से हमने ये कॉलर लगाया है। आगे से वी शेप भी बहुत अच्छी लग रही है। आप भी इसी तरह से कट करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। मेरे चैनल साले डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करते हुए आल पर क्लिक करें, इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।